ये सब मेला है ना, ये सब बहाना है, समझे? ये वोटों की वजह से सारा बहाना है और कुछ भी नहीं। परिवार अंत्योदय परिवार उत्थान मेला का जो सेकंड फेज था, इसका आयोजन आज 3 मार्च के लिए सोना ब्लॉक और सोमना एमसी के लिए। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के बीपीएल परिवारों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि बीपीएल परिवार भी एपीएल की श्रेणी में आ सके, जिसे लेकर सोहना के देवीलाल खेल स्टेडियम में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा 25 स्टॉल लगाए गए, ताकि बीपीएल परिवारों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके। लेकिन मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में आए कुछ लोगों को बैंक कर्मियों द्वारा लगाए गए स्टॉल पर जानकारी लेने वाले लोगों के साथ टकराव वाली नीति अपनाकर उन्हें ठीक से जानकारी मुहैया नहीं कराई गई, जिसके चलते कुछ लोगों को मेले से मायूस होकर लौटना पड़ा। ये सब मेला है ना, ये सब बहाना है, समझे? ये वोटों की वजह से सारा बहाना है और कुछ भी नहीं है। किस लिए बुलाया? लड़की को बुला लेती और 2-4 हजार रुपए लग जाते, बताओ। ये कह रहे हैं बीपीएल, हर चीज में बीपीएल कार्ड। सारे मेयर को बुलाया गया था कि लड़की बच्चे को सुविधा मिलेगी, बरखा के नाम से लोन मिलेगा जी, है, और उसके एजुकेशन लोन मिलेगा जी, और उसके लिए बुलाया गया। ये फाइनल है सर, ये कह रहे हैं बीपीएल कार्ड लेके आओ तब लोन मिलेगा। कुछ भी सुविधा पार्लर के लिए भी कह रहे हैं कि बीपीएल कार्ड लेके आओ। बीपीएल कार्ड होता तो सर हम यहाँ क्यों आते? अन्नू है सर, जखोपुर से आए। सोहना के देवीलाल खेल स्टेडियम में आयोजित किए गए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में गुरुग्राम के एडीसी विश्राम कुमार मीणा ने उत्थान मेले में पहुंचकर मेले का बारीकी से निरीक्षण किया, साथ ही कई बीपीएल परिवार के सदस्यों से मिलकर मेले में दी जाने वाली जानकारी के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर सोहना एसडीएम जितेंद्र गर्ग, नगर परिषद के ईओ अतर सिंह सहित स्थानीय मौजूद अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सोहना में उक्त मेले का आयोजन दूसरी बार किया गया है, जहां पर गरीब विभागों द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, ताकि बीपीएल परिवार इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपना खुद का व्यवसाय कर सके और बीपीएल से एपीएल की श्रेणी में आ सके। लेकिन देखना इस बात का होगा कि सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल का गरीबों को कितना फायदा मिलता है, और क्या वास्तव में ही हरियाणा सरकार की इस पहल से बीपीएल परिवारों की आय बढ़ सकेगी, ताकि वह एपीएल की श्रेणी में शामिल हो सके। हमारे माननीय मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय परिवार उत्थान मेला का जो सेकंड फेज था, इसका आयोजन आज 3 मार्च के लिए सोना ब्लॉक और सोमना एमसी के लिए था। तो इसमें करीब जो हमारे एमसी ब्लॉक के जो बेनिफिशरीज थे वो लगभग 300 थे, और लगभग 500 हमारे करीब ब्लॉक के थे, रूरल एरियाज के। तो मेला स्टार्ट है 9 बजे से, तो सारी हमारी स्टॉल रेडी हैं, और जो बेनिफिशियरी हैं उनका भी अच्छा फुटफॉल है। वहाँ स्टॉल्स को मैंने चेक किया, वहाँ देखने के लिए कि प्रॉपर काउंसलिंग हो रही है नहीं हो रही, और दूसरा जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं मेले में आ रहे हैं तो उनको पूरी तरह अटेंड किया जा रहा था। उनको उनके लिए जो लाभार्थी है जिस स्कीम के तहत वो आवेदन कर रहे हैं, जिनके लिए एलिजिबल है, उनको उनकी स्कीम को समझाया जा रहा है, उसी स्कीम के अनुरूप उनको लाभ दिया जा रहा है। जो हमारे उसमें उनको क्वालिफाई कर गए थे फर्स्ट फेज के, तो उनको उनका जो लोन है या जिस तरह की उनकी स्कीम थी उसके अनुरूप आज 3 व्यक्तियों को दे दिए हैं, और शायद कल भी ये वितरित किए जाएंगे। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।